हर हर महादेव दोस्तों। सुबह सुबह दोस्तों हम पहुंच चुके हैं काशी कॉरिडोर के गंगा द्वार की तरफ। और आज दोस्तों हम आपको एक महत्वपूर्ण जानकारी देने वाले हैं। जी हाँ दोस्तों, गंगा द्वार की तरफ जो रैंप बन रहा था वो अब आम जन के लिए खोल दिया गया है और इसकी सूचना दोस्तों गंगा द्वार के दीवार पर चिपकाई गई है। तो अभी लोगों को नहीं पता है कि खोल दिया गया है, तो जो लोग बुजुर्ग लोग हैं और जो दिव्यांगजन लोग हैं उनके लिए, उनकी सुविधा के लिए दोस्तों अब खोल दिया गया है। तो वीडियो में आगे हम देखेंगे दोस्तों और क्या क्या है और कॉरिडोर के दर्शन करेंगे दोस्तों। तो दोस्तों ये देखिए, ये सामने आप गंगा जी में ये अलकनंदा क्रूज को आप देख रहे होंगे। ये क्रूज सेवा दोस्तों सुबह और शाम को चलती है और इसके लिए ऑनलाइन बुकिंग होती है दोस्तों। और यह रविदास घाट से निकलती है और राजघाट तक पूरा मतलब दर्शन कराती चलती है घाटों के। और आप इसमें दोस्तों चाय नाश्ता भी होता है, तो इसका चार्ज दोस्तों शायद 800-900 रुपया है पर व्यक्ति, हिसाब से आप दोस्तों बुक कर सकते हैं। तो ये देखिए दोस्तों, हम यहाँ पर आ चुके हैं जहाँ पर भक्तगण लोग आकर स्नान करते हैं। काशी कॉरिडोर से होते हुए यहाँ पर आते हैं और यहीं पर देखिए स्नान के लिए सब कुछ बना हुआ है। और उधर जो मैं दिखा रहा हूँ दोस्तों, उधर वो रेती में उधर मेला टाइप का लगता है और उधर ऊट ऊट चलते हैं और उधर आप जाकर घूम सकते हैं। तो बच्चे लोग जब आते हैं तो जिद करते हैं कि उधर ले चलिए, उधर ले चलिए, तो आप भी उधर घुमा सकते हैं, ऊँट पर ऊँट की सवारी करा सकते हैं। और ये देखिए सुबह सुबह श्रद्धालु लोग यहाँ पर स्नान कर रहे हैं। ये देखिए यहाँ पर डस्टबिन, ये डस्टबिन हर जगह लगा हुआ है लेकिन मैं देखता हूँ कि बहुत से लोग डस्टबिन का यूज नहीं करते हैं, करना चाहिए। चलिए दोस्तों, आपको अब धीरे धीरे हम कॉरिडोर की तरफ ले चलेंगे और सामने जो दीवार है वहाँ पर वो रैंप वो आपको दिखाएंगे। ये देखिए दोस्तों, ये नेपाली मंदिर है, इसमें पशुपतिनाथ जी हैं। और ये देखिए इधर, ये इसमें पत्थर लगाने का काम अभी चल रहा है दोस्तों, और एक आध दो हफ्ते में ये पूरा कंप्लीट हो जाएगा जिस हिसाब से काम हो रहा है। मोदी जी तो आकर चले गए हैं और मोदी जी के आने के लिए काम में और तेज़ी आ गई थी, अब देखते हैं किस हिसाब से चलता है काम। तो मुझे तो लग रहा है कि एक दो हफ्ते में, ये एक दो हफ्ते अगर नहीं हुए तो कम से कम एक महीने में तो पूरा पत्थर लगा दिया जाएगा और पूरा इधर फेज टू पूरा दोस्तों कंप्लीट हो जाएगा। उधर साइड जो मंदिरों का जीर्णोद्धार हो रहा है वो अभी काम चल रहा है, उधर भी चलकर देखेंगे दोस्तों। और ये देखिए, ये यही पत्थर, ये सब चुनार के ये पत्थर हैं, ये सब पूरे कॉरिडोर में लगाए गए हैं। अगर आपने देखा होगा तो ये देखिए पूरा। और ये देखिए सामने अब गंगा द्वार पर हम पहुँच चुके हैं दोस्तों। ये देखिए दोस्तों, ये इधर ये रैंप की दीवार है, ये देखिए जो छोटे छोटे छेद हैं, ये इसमें रात को दोस्तों लाइटें जलती हैं, रंग बिरंगी लाइटें एकदम चकाचक। इधर दोस्तों वो गेट के पास एक सूचना लिखी गई है जो काफ़ी महत्वपूर्ण है। इसमें चलिए आपको चल के दिखाते हैं कि जो लोग, जो भक्तगण लोग दोस्तों सीढ़ियाँ चलने में सक्षम नहीं है, जिनको दिक्कत हो रही है, वो अपने बाएं तरफ रैम्प का प्रयोग करें। और यहाँ शायद गलत लिख दिया गया, बाएं नहीं दाएं तरफ है दोस्तों। आप पूछ सकते हैं कि रैम्प कहाँ है, तो कोई भी बता देगा। ये देखिए ये जो दीवार दिख रही है बड़ी सी, तो इस सूचना को दोस्तों आप वीडियो के माध्यम से और लोगों तक भी शेयर कीजिएगा कि रैम्प अब दोस्तों आमजनों के लिए खोल दिया गया है। ये देखिए ये रैम्प है, आपको दोस्तों हम इसके अंदर लेकर चलते हैं और पूरा दिखाएँगे पूरा। और ये रैम्प से होते हुए हम अभी ऊपर चलेंगे दोस्तों, चलिए आगे बढ़ते हैं। ये देखिए अंदर दोस्तों, अंदर अंधेरा टाइप का है, तो ये देखिए लाइट लगी हुई है, ये देखिए पूरा रेलिंग वेलिंग सब लगा दिया गया है। तो पूरा दोस्तों एकदम रैंप ही खुल चुका है। और जो लोग दोस्तों दिव्यांग लोग हैं, जो बुजुर्ग लोग हैं जिनको सीढ़ियाँ चलने में दिक्कत होती है, वो इधर से आके जा सकते हैं। जैसे मेरी मम्मी की लीजिए, वो सीढ़ियाँ चलने में दिक्कत होती है तो इधर साइड नहीं आई हैं अभी तक। अब देखिए ये रैंप बन गया है, खुल चुका है, तो लेकर आता हूँ, घुमाता हूँ इधर साइड। देखिए कितना बढ़िया, पूरा मतलब कंप्लीट हो चुका है काम दोस्तों, काफ़ी तेज़ी में बना है दोस्तों ये। और जब बन रहा तो स्टार्टिंग में तो लग रहा था जैसे कि लिफ्ट बन रहा है, लेकिन फिर बाद में पता चला कि नहीं, ये रैंप बन रहा है। और यहाँ पर अभी ये छूटा हुआ है, तो अगर कोई अधिकारी देख रहे होंगे तो कृपया करके यहाँ
जल्दी से लगवाएं, अंधेरे में गिरने का खतरा रहेगा। और ये मैं पूरा ऊपर आ चुका हूँ दोस्तों, और ये आप बगल में ही मणिकर्णिका घाट है, ये आपको दिख रहा होगा। और ये देखिए इधर, ये इधर से मैं निकल जाऊँगा तो मणिकर्णिका घाट आ जाएगा। और ये देखिए ये सामने मणिकर्णिका घाट रहा, तो इधर से भी आप एंट्री कर सकते हैं। तो देखिए इधर मणिकर्णिका घाट साइड से है ये रास्ता, और इधर भी दोस्तों काम चल रहा है और काफ़ी काम हो चुका है दोस्तों। और इधर से आप ऊपर जाइएगा तो जो मेन रास्ता है कोरिडोर का, उधर आप चले जाइएगा। और ये देखिए यहाँ ये बगल में ये हनुमान जी की मूर्ति है, अभी आपको मैं दिखाता हूँ, शायद यहाँ पर मंदिर भी बनाने का काम हो, देखते हैं। ये देखिए ये इधर, ये यहाँ पे भी एक छोटा सा गेट है, अभी ये बंद है, लेकिन जब पूरा काम कंप्लीट हो जाएगा तो ये खुल जाएगा। और ये सामने एक मंदिर भी है दोस्तों, ये देखिए ये मैं बता रहा था, जो हनुमान जी की मूर्ति लगी हुई है। और ये देखिए ये सामने ये टी स्टॉल है, जिसको हर किसी को तलाश रहती है दोस्तों कि चाय कहाँ मिलेगी। तो ये देखिए इधर ये टी स्टॉल बना हुआ है, जब स्टार्ट हो जाएगा तो देखो खूब भीड़ होगी यहाँ पे। और इधर साइड देखिए दोस्तों, ये जो मंदिर विश्वनाथ कॉरिडोर बनाने के क्रम में जो पाए गए हैं, देखिए ये कितने सारे मंदिर है। तो पूरा ये समूह दोस्तों कॉरिडोर के अंदर ही है, और मतलब काफ़ी बेहतरीन मंदिर है ये, काफ़ी सुंदर नक्काशी की गई है इन पर, अगर आप देख पा रहे होंगे वीडियो में तो। ये दोस्तों बगल से रास्ता जो है ये इधर से ही मैं आता हूँ, ये मणिकर्णिका घाट की तरफ चला जाता है। और देखिए सामने भी, तो ये पूरा समूह दोस्तों दूर तक है, तो आप चाहे तो इधर भी घूम सकते हैं। चलिए मैं यहाँ वापस आ गया टी स्टॉल के पास, ये टी स्टॉल के बगल में दोस्तों ये एस्केलेटर लगा हुआ है, देखिए ऊपर चढ़ने के लिए, ये भी चालू हो जाएगा तो लोगों को सुविधा होगी। और ये देखिए ये रैंप उधर चलने के लिए, मतलब दिव्यांगजनों और बुजुर्ग लोगों के लिए हर तरफ रैंप बनाया गया दोस्तों। यहाँ से आके अगर यहाँ पे भी सीढ़ी लगी हुई है, सीढ़ी पर नहीं चल पा रहे हैं तो उधर से वो रैंप से चले जाएंगे, फिर वहाँ एस्केलेटर लगा है वहाँ से चले जाएंगे, तो मतलब हर सुविधा दी गई है दोस्तों। और यहाँ पे देखिए दोस्तों, ये पूरे कॉरिडोर परिसर का मैप है, इस तरह के बोर्ड हर जगह लगे हुए हैं परिसर के अंदर, और मैप भी लगा हुआ है। और देखिए हम फिर आ चुके हैं गेट के सामने, और उसी के वो देखिए उधर बाएं साइड में कार्तिकेय संकुल है, उसके जस्ट पीछे कार्तिकेय भगवान की मूर्ति भी लगी हुई है, वहाँ पर चलकर हम आपको दिखाएंगे। ये देखिए ये लाइट है, ये देखिए जो दाएं साइड में मूर्ति है, ये आदि गुरुदेव शंकराचार्य हैं, और उसी के सामने वो एस्केलेटर लगा हुआ है ऊपर जाने के लिए, तो ये यहाँ देखिए सीढ़ियाँ जाता है, तो जो नहीं चढ़ पा रहे होंगे तो उसके लिए एस्केलेटर लगा हुआ है, और रैंप भी इधर बने हुए हैं। और ये देखिए पानी पीने के लिए, और इसी के बगल से दोस्तों अगर आप जाइएगा इधर तो कार्तिकेय संकुल के पास आप वो पीछे, देखिए वो जो दिख रहे हैं ना मूर्ति, वो कार्तिकेय भगवान की मूर्ति है वहाँ पे। चलिए उधर अभी, उधर का भी निर्माण कार्य चल रहा है, उधर अभी स्टार्ट नहीं हुआ है। चलिए वो देखे हम ऊपर आ गए हैं, और सामने आपको दिख रहे होंगे विश्वनाथ जी, इधर काशी कॉरिडोर का गंगा द्वार देखिए, और सामने गंगा जी, एकदम गंगा जी से सीधा जल भरिए, और सीधा इधर कॉरिडोर होते हुए विश्वनाथ मंदिर में जाइए और बाबा जी को जल चढ़ाइए, पूरा एकदम व्यवस्था सही हो चुका है अब। इसी वजह से दोस्तों यहाँ पर काफ़ी भीड़ भी हो रही है, और पहले से मतलब भक्तगणों में कम से कम 10 गुना उछाल आया है। और ये रास्ता देखिए इधर, ये नेपाली टेंपल की तरफ चला जाएगा, जो मैं आपको शुरू में दिखाया था, ये इधर से ही, इधर से भी रास्ता है जाने का। और ये देखिए कॉरिडोर में अभी सुबह सुबह के दोस्तों 8 बज रहे हैं, लेकिन देखिए अभी भी भीड़ भाड़ तो है ही। और देखिए पूरे परिसर में नीम के पेड़ लगाए गए हैं, और इसमें ये लाइटें भी लगी हुई हैं। और ये देखिए इधर, ये सामने भारत माता की मूर्ति लगी हुई है, सेल्फी पॉइंट है यहाँ का, और
देखिए इसमें भी लाइटें लगी हुई हैं, रात में जलती हैं लाइटें। चाहे तो मैं चैनल पे विजिट कर सकते हैं, मैं रात्रि का भी वीडियो डाला हूँ, काफ़ी अच्छा लगता है, काफ़ी बेहतरीन लाइटिंग की गई है दोस्तों। और ये देखिए एक से मंदिर यहाँ पर, और देखिए यहाँ पर शिवलिंग पर जल चढ़ाया जा रहा है, पूजा अर्चना हो रही है दोस्तों। और ये देखिए दोस्तों ये जो था इधर, इसमें पूरी दुकानें बनी हुई हैं, अभी स्टार्ट नहीं हुआ है। तो चलिए दोस्तों और आगे चलते हैं। जो लोग गेट नंबर 4 के तरफ आते हैं वो उधर लॉकर में जमा कर देते हैं, लेकिन जो इधर आते हैं दोस्तों 1 नंबर की तरफ, उनके लिए भी ये एक लॉकर सुविधा यहाँ पर बनी हुई है। तो यहाँ पर अपने जूते चप्पल रख सकते हैं, और लॉकर यहाँ देखिए अपना मोबाइल वोबाइल पर्स यहाँ पर जमा कर सकते हैं। और ये बगल में दोस्तों प्रसाद बाबा पर चढ़ाने के लिए यहाँ पर मिलता है, यहाँ से ले सकते हैं। तो जो मतलब अधिकतर लोग जो गेट नंबर 4 से आते हैं आगे, तो उधर ही सब कुछ जमा हो जाता है, तो इधर मोबाइल वोबाइल नहीं होता है तो फ़ोटो वोटो नहीं खींचा पाते हैं। तो जिनको ये सब चीज़ फ़ोटो वोटो खींचना है ना, वो इधर आएँ गेट नंबर 1 की तरफ, गंगा द्वार की तरफ से। और इधर भी लॉकर की सुविधा है। अब ये देखिए इधर से भी एक छोटा गेट है बाहर निकलने का। ये देखिए पूरा सामने से देखिए वो मंदिर दिख रही होगी, स्वर्णित मंदिर। ये बगल में भी मंदिर है दोस्तों। ये देखिए जो सामने मूर्ति है, ये अहिल्याबाई देवी हैं। इन्होंने काशी विश्वनाथ मंदिर का जीर्णोद्धार किया था जब आक्रांताओं ने इसे तोड़ दिया था। और इधर भी इधर देखिए दोस्तों ये और जो मंदिर है उनका जीर्णोद्धार हो रहा है। तो ये बहुत सारे मंदिर इधर निकले हुए हैं सबका, सब पे मतलब देखिए बाहर से सबकी मरम्मत की जा रही है, जर्जर अवस्था में थे ये सब दोस्तों। और इसी के बगल में दोस्तों शौचालय भी है। इसकी मतलब प्लेस तो सही नहीं है, लेकिन पूरे कॉरिडोर में हर तरफ मंदिर ही है, तो इधर ये साइड में इस शौचालय को लगाया गया है। तो चलिए दोस्तों आप ये पूरा मंदिर का समूह देख ही चुके हैं, और ये अहिल्याबाई देवी मैं आपको बता चुका हूँ। दोस्तों मैं अब वीडियो अपना यहीं पर समाप्त करने वाला हूँ। और आज का वीडियो आपको कैसा लगा कमेंट सेक्शन में बताइएगा, और चैनल से अभी तक नहीं जुड़े हैं दोस्तों तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करते रहिए दोस्तों। और मिलते हैं दोस्तों आपसे अगले वीडियो में, तब तक के लिए हर हर महादेव।